हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जीवन में इतना दुख क्यों है। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, या आपके रिश्तों में परेशानी हो, जीवन में इतना दुख क्यों है। आप किसी को भी देखो, अपने अड़ोसी को देखो, पड़ोसी को देखो, आप न्यूज़ देखो, आप ऐसा लगता है कि जो लाइफ में जो पेन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द फैक्ट बिहाइंड, क्या ये सच है और इसका समाधान क्या है? क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में इतना दुख वाकई में नहीं होता है? और क्या आप भी वैसी लाइफ जी सकते हैं? कैसे इन सभी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं? आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है जीवन में इतना दुख क्यों है और इसका समाधान क्या है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुख क्या है, व्हाट इज पेन। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जीवन में सुख का, खुशी का, आनंद का अभाव ही दुख है। अगर आपकी लाइफ में आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, जॉयफुल नहीं हैं, अगर ये आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है तो आपके जीवन में दुख है। सो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि दुख क्या है। अब आगे हम बात करेंगे कि ऐसा है क्यों। तो इसके मैं आपको पांच कारण शेयर करूंगा। अगर आप उन पांच कारण को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और उन पांच कारणों को समझ के उससे बाहर आना शुरू करेंगे, अगर आप ये पांच गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में सुख होगा, खुशी होगा और आनंद होगा। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर वन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर वन है कि आपकी लाइफ में दुख के, पेन के, नेगेटिविटी के बहुत सारे दरवाजे हैं। आप कहेंगे बहुत सारे दरवाजों का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की लाइफ में दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक पॉजिटिव सोर्स और दूसरे नेगेटिव सोर्स। जो सोर्स आपको पॉजिटिविटी देते हैं, होप देते हैं, फेथ देते हैं, ऑप्टिमिज्म देते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव सोर्स, जो कि आते हैं हायर कॉन्शियसनेस के लोग से। और दूसरा वो सोर्स होता है जहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलती है, जहाँ से हमारे अंदर डर आता है, जो हमारे ऊपर डाउट क्रिएट करता है, वो होता है नेगेटिव सोर्स। तो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके ज़्यादातर जो कनेक्शंस हैं, ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो नेगेटिव हैं। अब इन कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो वो भी एक कनेक्शन है। जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके कनेक्शंस हैं। उसके लिए एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनल सोशल क्लाउड। आपका जैसा पर्सनल सोशल क्लाउड होगा वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादातर नेगेटिव सोर्सेज होंगे, आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप पॉलिटिशियन की बातें सुन रहे हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे, चाहे वो टीवी पे, जो निम्न चेतना के लोग हैं, तो वो आपकी लाइफ में दुख को इंश्योर कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि आपने कनेक्शंस को चेक कीजिए और अपने लाइफ से जितने भी नेगेटिव सोर्सेज हैं आप उनको जितना हटाते जाएंगे उतना आपकी लाइफ में रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय बढ़ता जाएगा। अब हम बात करेंगे रीज़न नंबर टू की। सो रीज़न नंबर टू इज़ प्लेइंग द विक्टिम। कई लोग क्या करते हैं, हमें से विक्टिम होने का मजा लेते हैं। विक्टिम होने का मतलब वो अपने आप को शिकार की तरह देखते हैं कि वो तो परिस्थिति के मारे हैं, तो वो अपने दुख का समाधान ढूंढने की बजाय वो हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने पड़ोसी को, कभी अपने एजुकेशन सिस्टम को, कभी गवर्नमेंट को, कभी इसको, कभी उसको, कभी अपने फ्रेंड्स को। सो दिस इज द रीज़न नंबर टू। सॉल्यूशन क्या है? एक दूसरा माइंडसेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट या विनिंग माइंडसेट। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ठीक है, ये मेरी कमी है, मुझे इसको ठीक करना है। दिस इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट या विनिंग माइंडसेट। अब हम बात करेंगे रीज़न नंबर तीन की। कुछ लोग की लाइफ जो होती है ना, वो या तो पास्ट में चल रही होती है या तो फ्यूचर में चल रही होती है। या तो वो पास्ट में उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ना 2013 में ना कुछ गड़बड़ हुआ था, मुझे ना 2014 में ना किसी ने चीट किया था, मेरे साथ ना 2007 में ये हुआ था। या तो वो अपने पास्ट में चल रहे होते हैं या तो अपने फ्यूचर को लेके चल रहे होते हैं कि अरे 7 साल बाद क्या होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा,
तीन साल बाद क्या होगा। तो अगर आप हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में रहोगे तो भी आप दुखी रहोगे। सॉल्यूशन क्या है कि प्रेजेंट में फोकस कीजिए। कई बार प्रेजेंट में फोकस करना मुश्किल होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है, जो हैप्पीनेस है, जो पॉजिटिविटी है, जो लाइफ है, वो प्रेजेंट में ही चल रही है। तो दिस इज़ द रीज़न नंबर 3। अब हम बात करेंगे रीज़न नंबर 4 की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये गलती बहुत से लोग करते हैं, और इस पॉइंट में बहुत से जो गलती कर रहे हैं उसका जो बेस है वो यही पॉइंट है। एंड दिस पॉइंट इज़ सीकिंग कम्फर्ट ओवर ग्रोथ। देखिए, हमारा ब्रेन ही ऐसे डिज़ाइंड है कि हम लोग हमेशा कम्फर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जैसे आपका ब्रेन डिज़ाइंड है, अगर आप केवल वैसे ही लाइफ चलेंगे, वैसे ही लाइफ जिएंगे, तो आप सर्वाइव तो कर पाएंगे, लेकिन लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी, मोमेंट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो करना क्या है, हमें ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देना है ओवर कम्फर्ट। एक स्टेटमेंट है किसी का कि अगर आप कम्फर्ट को प्रायोरिटाइज़ करोगे तो आप कम्फर्ट के प्रिजन में कैद हो जाओगे, और हमारे जो डेस्टिनी है, हमें फ्री रहना चाहिए। ह्यूमन सोल नीड्स फ्रीडम। तो ये इस बात को आपको ध्यान देना है कि कंफर्ट को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। कंफर्ट में दुख है, परेशानी है, पेन है। अगर आप ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो आप इवॉल्व करते रहेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, जॉय आती रहेगी। इसी के साथ हम आते हैं रीज़न नंबर 5 पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड रीज़न नंबर 5 इज़ क्लिंगिंग टू योर आइडेंटिटी। हम में से कई लोग क्या होता है कि जो भी हमारी आइडेंटिटी है, जो भी हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, स्पेशली जैसे कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कई बार ना हम लोग उसको क्लिंग कर जाते हैं, और ना हम लोग अपने आप को ऐसे देखना शुरू कर जाते हैं, जो भी हमारी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ तो मुझे तो ऐसे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे तो ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे तो वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये सब जो है ना, ये आपके बॉक्स में चल रहा है, ये आपके मेंटल बॉक्स में चल रहा है। आपके घर में जो बच्चा है, आपके जो पड़ोसी हैं, ये जितना आप इससे ऑब्सेस्ड हो ना, बाकी दुनिया से इतनी ऑब्सेस्ड नहीं है। तो कई बार ये हमारे दुख का कारण होता है कि हम लोग जो भी हमारा जो प्रोफेशन होता है, जो भी हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है, उससे हम लोग हुक्ड हो जाते हैं, और हम लोग पूरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया ये समझे कि हम ये हैं और हमें इस हिसाब से ट्रीट करे। तो इस वजह से हमारी लाइफ में बहुत से दुख आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, आप समझिए कि आपकी लाइफ का केवल एक एस्पेक्ट है, लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इससे क्लिंगिंग को छोड़िए, इवोल्यूशन पे फोकस कीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, ग्रो कीजिए एज ए पर्सन। दुनिया जैसी है उसको वैसी देखिए, वर्सेस कि जैसी आप देखना चाहते हैं। होप आपको ये 5 कारण पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक होगा हमारी कम्युनिटी का, आप उसके मेंबर बनिए। हम लोग हर तरह के सेशन करते रहते हैं, फ्री एंड पेड दोनों, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।